assalamu alaikum students how are you i hope so all of uh, all are you fine i am maria arif teacher of great prep this is your english reader i will teach you english okay now open page number 16 we will start unit 12 आर टॉपिक इज़ कन्सेप्ट ऑफ़ दिस एंड दिस ओके ओके दिस मीन ये ठीक है जो हमारे पास नज़दीक चीज़ें होती हैं जो सिंगुलर होती हैं यानी कि सिंगल मीन्स ओनली वन उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं दिस ठीक है वी यूज़ दिस फॉर वन ऑब्जेक्ट ओके and we use these for the objects that are more than one and they are near to us. These हम कहाँ use करते हैं These हम वहाँ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक से ज़्यादा हैं और वो हमारे करीब हैं Next listen, look and read. What is this? Rat. It's singular. Then we use this. दिस इज़ ए ए रैट एट rat. और जब हमारे पास सिंगुलर है यानी कि कोई एक चीज़ होगी तो हम दिस के साथ क्या यूज़ करेंगे इज और अगर हमारे पास ज़्यादा हैं यानी कि वी एम मीनस मोर देन वन यानी कि हमारे पास टू या टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे दिज एंड दिज के साथ यूज़ होगा आर ओके दीज आर रैट्स this is a rat these are rats next picture what is this cup this is a cup. up cup this is a cup next these are cups and what is the spelling of these t h e s e these and spelling of cup

वन टू थ्री यानी कि टू से भी ज्यादा हमारे पास बुक्स हैं तो हमने यूज़ करना है दीज आर बुक्स नेक्स्ट वट इज दिस डक एंड स्पेलिंग ऑफ डक डी यू सी के डक दिस इज ए डक दिस इज ए डक एंड डक्स क्योंकि ये कितनी है वन टू टू है ना तो हम यूज करेंगे दीज these are ducks okay what is this ring r-i-n-g ring spelling of ring r-i-n-g ring this is a ring r-i-n-g ring okay these are wings okay thank you so much